हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरियाली पर। यह है अपना मोगरा का पौधा और हम चाहते हैं कि अब इस मोगरा के पौधे में फूल लगने लग जाएं। तो फूल लगाने के लिए, नई कलियां खिलाने के लिए हम करेंगे आज कुछ खास उपाय। लेकिन खास उपाय जानने से पहले, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें नई कलियां आने लगी हैं और अभी कुछ ही वक्त में इसमें फूल भी लगेंगे। लेकिन ये जो पौधा है वो कटिंग मेथड से तैयार किया हुआ नया पौधा है अभी, और इसमें कैल्शियम की कमी हो। जी बिल्कुल, कैल्शियम की कमी की वजह से नई कलियां इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं आ रही हैं और हम चाहते हैं कि नई कलियां इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लगें और फूल भी इतने ज़्यादा लगें कि पूरा घर महकने लगे, पूरा पौधा फूलों से लद जाए। तो इसके लिए हम करेंगे एक खास उपाय। तो सबसे पहले हमको लेनी है ये दो गोलियां। ये गोलियां हैं कैल्शियम की, जो अक्सर हमारे घर पर वेस्ट के रूप में पड़ी रहती हैं, क्योंकि डॉक्टर कई बार हमें ये गोलियां देता है और हम यूज नहीं करते, घर पर पड़ी रहती हैं। तो कैल्शियम का ये सबसे अच्छा सोर्स है, पौधों में कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए बेस्ट चीज़ है। अगर आपके घर पर ये गोलियां नहीं हैं तो आप मेडिकल की दुकान से ये गोलियां ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। और ये गोलियां लेने के बाद हमको करना क्या है, अपने पौधे में इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद इन गोलियों को पौधों की जड़ों में इस तरह से रख देना है। एक इस तरफ रख देंगे, इस तरह से रखने के बाद थोड़ी डाल देंगे हम इनके ऊपर मिट्टी, और मिट्टी डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद कुछ ही समय में ये गोलियां गल जाएंगी और इनके अंदर जो कैल्शियम है वो पौधों की जड़ों में पहुँच जाएगी और पौधा नई कलियों से और नए फूलों से खिलने लगेगा। कुछ ही समय में पौधों में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। धन्यवाद।